से बताती है दिव्य सिंह क्या कह रहे हैं। रोल रोल चलिए, किसका कैमरा यार इतना मुंह में बिल्कुल पूरे प्रदेश में कैसे करेगा यार, पूरे प्रदेश में बदलाव की लहर है। धन्यवाद सर, आपने लेट नोटिस करने के लिए आए, आप 12 बजे की करी तो क्या माहौल समझ रहे थे कि क्या रुझान मिल रहे हैं यार? मैं डोंगरगढ़ गया हुआ था तो सुबह लौट के आया। सर आपकी रिपोर्ट क्या है, कितनी कांग्रेस पार्टी को सीटें आ सकती है? ये तो बता चुका हूँ, आज फिर बहुत दोहराने की आवश्यकता नहीं है। सर आप जानना चाहते रहे कुछ बढ़ रहा आंकड़ा क्या? हर हालत में 130 प्लस और जयवर्धन सिंह दोनों या जेपी नड्डा ने कहा है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस सरकार बनेगी वहाँ भ्रष्टाचार होगा, ये बात जेपी नड्डा ने आज कही है। ऐसा है, भ्रष्टाचार जो करने वाले जो हैं, मैं समझता हूँ कि नड्डा जी भी धृतराष्ट्र बन चुके हैं, उनको भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में नजर नहीं आ रहा है। सर नर्मदा मिश्रा कह रहे हैं, नर्मदा याद आ रही है, नर्मदा याद आ रही है, नर्मदा पूजन हो रही है, मुख्यमंत्री नर्मदा पूजन कर रहे हैं। वो तो उनका अधिकार है, घबराए हुए हैं। नर्मदा मिश्रा कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस जीती तो पाकिस्तान में जश्न मनेगा। नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तत्काल सख्ती से कार्रवाई की जाना चाहिए। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं एमपी में कांग्रेस के कमबैक करने को लेकर? सुपर कॉन्फिडेंट, सुपर। पहले से कहा है मैं सीएम के रेस में नहीं हूँ, ना मैं कभी था ना आज हूँ। आप लोगों ने बार बार मुझे पूछा है, 2013 में भी, 18 में भी और आज भी पूछ रहे हैं। तीनों बार मैंने कहा है कि मैं सीएम के रेस में नहीं हूँ। ये रेस कुर्सी का नहीं है, ये रेस विकास का है, ये रेस प्रगति का है और ये रेस जनता का विश्वास सुनिश्चित रखने का है। कुर्सी का रेस कांग्रेस की है। चलिए तो तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं अलग अलग मतदान केंद्रों से। मैं राकेश चतुर्वेदी का रुख कर लेती हूं क्योंकि राकेश भी बहुत देर से यहां पर हमारे साथ बने हुए हैं और उनके साथ वोटर्स भी हैं कई। तो राकेश बात कीजिए, कौन से मुद्दे हावी हैं या चेहरा? देखिए बिल्कुल सीधे जो वोटर्स हैं और उन्हीं से ही लेंगे क्योंकि मेरे साथ अभी जो मतदाता खड़े हुए, आप मतदान कर चुके हैं जी, क्या कहें इस विधानसभा में कौन से मुद्दे हावी हैं कि चेहरा हावी है? मुद्दे हावी हैं साहब, मुद्दे हैं है। क्या मुद्दे क्या हैं? विकास का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है साहब, बेरोजगारी, कोई विकास नहीं है। ये गांव जो है सिमराई बिल्कुल एकदम करीब है भोपाल के, फिर भी आप इनकी रोड नालियां देखो, कोई तरह का कोई विकास का नहीं है। सबसे ज्यादा मुद्दा है विकास का और कोई व्यक्तिगत बुराई नहीं है। महिलाएं बड़ी यहाँ पर कतार में लाइन में लगी हुई थी जी, महिलाओं का जब सबसे ज्यादा वोटर महिला डाल रही है। महिलाओं का क्या मुद्दा है? महिलाओं का भी यही मुद्दा है विकास का। कैसा आप मतदान कर चुके हैं जी? मैं मतदान कर दिखाएंगे, क्या अपील करेंगे बाकी लोगों से कि मतदान करें? हाँ, यहाँ मुद्दा कौन सा गूंजा हुआ है? मुद्दा सबसे ज्यादा क्या है, रोड नालियाँ और विकास मुद्दा सबसे ज्यादा, और जो महंगाई के ऊपर मतलब सिलेंडर है और बहुत सी चीजें मतलब, और चेहरे के ऊपर भी मतलब यहाँ पे मतदान हो रही है। चेहरा मुख्य रूप से है? हाँ, चेहरा भी है साथ में और विकास के सबसे ज्यादा विकास का है। विकास और चेहरा, क्या मुद्दे हैं साहब यहाँ के? मेन मुद्दा यही विकास का ही ज्यादा लोगों का। तो विकास में क्या क्या चाहिए आपको? विकास में विकास हो ही कर रहा है, वार्ड नंबर 26 में तो कभी कोई विकास ही नहीं हुआ आज तक, बीजेपी के राज में कोई विकास ही नहीं हो रहा। कैसा आप क्या मुद्दे हैं? यही है सर, यानी बीजेपी के राज में कोई। आप कितनी बार वोट मतदाता, कितनी बार के मतदाता हैं आप? तो मेरे 3 मरतबा के मतदाता। 3 बार आप वोट दे चुके हैं जी। इस पहले आप क्या चेहरा देखते थे, पार्टी देखते थे? नहीं सर, पहले देखिए यहाँ पे ऐसा है कि हम लोग चेहरा देख के और यानी विकास के तौर पे। चेहरा क्या मायने रखता है? जी हाँ, चेहरा मायने रखता है साहब जी, मायने रखता है चेहरा, चेहरा मायने रखता है जी बिल्कुल। कैंडिडेट कार्य करने वाला जो अगर कैंडिडेट अगर है तो चेहरा भी साथ में। महिलाएं यहाँ से वोट डाल के निकली हैं, आपने वोट डाल दिया? नहीं नहीं डाला अभी। क्या हुआ? नहीं डाला, 80 नंबर में जाना है। अच्छा, 80 नंबर में जाना है। तो साहब किस चीज को देखकर आप मतदान करने वाले हैं, इस विधानसभा के मुद्दे क्या हैं?
इस विधानसभा के मुद्दे ये हैं कि गरीबों के तरफ पहले ध्यान दिया जाए, क्योंकि मैं भी ठेला लगा। राकेश, महिला जो आपके साथ खड़ी है उनसे भी बात कीजिए। क्वेश्चन भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप अब वोट डालने जा रही हैं, मन में क्या सोच रखा है आपने, क्या मुद्दे हैं आपके? भाई, हमें इतनी तो सरकार से सहायता मिले कि हमारा घर का घर तो हो जाए। किराए के घर में 26-27 साल हो गए हमें रहते। 26 से 27 साल हो चुके हैं। हो चुके हैं। करते क्या आप? करते क्या? सुमराई में यही हो गए थे हमें। करते क्या है आप? फुल्की का ठेला चल रहा है। क्या करते हैं आप? फुल्की, कुछ नहीं, फुल्की का ठेला बस, और कुछ नहीं है। कितनी आमदनी हो जाती है उससे? कुछ नहीं, क्या होती है, 600-700 रुपए रोज के पड़ रहे हैं। रेडीमेड फुल्की लेते हैं, 4000 किराया कमरे का, क्या कमाएगा क्या खाएगा इंसान, क्या बचाएगा? कुछ चुनाव का मुद्दा है ना, और क्या होना चाहिए। जब सरकार से इतनी सहायता मिल रही तो अपने को भी तो इतना मिले कि ताकि दो कमरे की जगह मिल जाए। कुछ नहीं, सिमराई में भी रहकर कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये बताइए आपको क्या चाहिए? आप जो सरकार की बात कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए? क्या हमें भी ये मकान तो हो, रहने के लिए झोपड़ा तो हो, हमें इतना तो होना ना। कब तक जिंदगी निकलेगी? बच्चे का भी भविष्य बनाना है, वो भी किराए के घर में, उसका भी भविष्य निकल जाएगा। बचत तो इतनी होती नहीं कि हम अपना कुछ बना सकें। यह है, और कुछ नहीं है। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही बच्चा है। क्या करता है बच्चा? बच्चा पढ़ रहा है अभी 12वीं में। पढ़ाई कर रहा है? हाँ। तो क्या बनाना चाहती हैं बच्चों को, क्या देख पा रही हैं? बच्चों को क्या, अभी तो पढ़ रहा है, अभी तो कुछ बचता ही नहीं, तो सोच भी नहीं सकते कि आगे क्या करवाना है उसको अपने। तो पूछ ही ना, किया तो है बीजेपी ने, वादा किया है घोषणा पत्र में, तो पार्टियां कह रही है पक्का मकान देने का वादा, सस्ता सिलेंडर, और महिलाओं के लिए तमाम घोषणाएं की गई हैं, तमाम योजनाएं लागू की गई हैं। सिर्फ लाडली लक्ष्मी योजना ही है और कुछ भी नहीं है। और भी यहाँ पर महिला हैं, आप क्या वोट कर चुकी हैं? जी नहीं, उधर है माला। अच्छा, आगे है, क्या सोचा है यहाँ के विधानसभा के मुद्दे क्या है बताइए, क्या क्या मुद्दे हैं, क्या सोच कर आई है? क्या सब कुछ सोचा, अच्छा हो बस हमारे लिए कुछ। तो महिलाओं को क्या, किस तरह का अच्छा, क्योंकि योजनाओं की बात करें और घोषणाओं की बात करें, दोनों दल एक से ऊपर एक हैं, वो सब उनके ऊपर, और क्या हम क्या कर सकते हैं। आप अभी वोट करने जा रही हैं, हाँ। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा, कौन से मुद्दे चल रहे हैं आपके दिमाग में? कुछ भी नहीं, कुछ तो चल रहा होगा नहीं, कुछ नहीं। और एक और हम तस्वीर आपको दिखाएंगे, जो महिलाएं हैं, जो खासतौर पर युवतियां हैं, वो वोट करने जा रहे हैं। ये तस्वीरों में आप देखें अंदर जो वोटिंग प्रक्रिया चल रही है। तो देखिए, हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त लगातार हर मतदान केंद्र की तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। न्यूज 24 पर भी लगातार ये महाकवरेज जारी है, बने रहेगा हमारे साथ, कहीं नहीं जाएगा, हर तस्वीर सबसे पहले न्यूज 24 पर। चुनाव